भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य दोनों कार्ड को इश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि नए नियम प्रीपेड और डेबिट कार्ड और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे। RBI ने बैंकों से कहा कि वे डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी या फिर जारी करते समय उन्हें केवल भारत में ATM और पॉइंट्स ऑफ सेल POS टर्मिनल पर ट्रांजैक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम के अनुसार अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ ATM और POS टर्मिनल पर कर सकेंगे। अगर ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इन सेवाओं को चालू कराना होगा। पुराने नियमों के अनुसार ये सेवाएँ कार्ड के साथ स्वतः आती थी, लेकिन अब ग्राहकों के आग्रह पर ही शुरू होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको विदेश में या ऑनलाइन कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन की सुविधा चाहिए तो आपको यह सेवा अलग से लेनी होगी। जिन लोगों के पास अभी कार्ड है वे अपने जोखिम के आधार पर यह तय कर सकेंगे कि वे अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजेक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं और अपने अभी तक कार्ड कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो कार्ड ये सेवाएं 16 मार्च से अपने आप बंद हो जाएगी। यानी इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन किया गया हो। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा कि वे मोबाइल एप्लीकेशन लिमिट मॉडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल या डिसेबल सेवा समाप्त सप्ताह के सातों दिन 2400 घंटे उपलब्ध कराए। अब डेबिट कार्ड यूजर्स किसी भी समय अपने कार्ड को ऑन ऑफ कर सकेंगे या ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए वे मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या ATM या IVR का सहारा ले सकेंगे। बैंकों को कार्ड धारकों को POS, ATM, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट में डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल दोनों के लिए बदलाव करने की सुविधा होगी। इसके साथ ही बैंकों को कार्ड को स्विच ऑन करने की भी सुविधा होगी। ग्राहक अगर अपने कार्ड के स्टेट्स में कोई बदलाव करते हैं या कोई अन्य करने की कोशिश करता है तो बैंक SMS ईमेल के जरिए ग्राहकों को अलर्ट और सूचना भेजेगा।